इस लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी सिखाएंगे कि मैप कैसे बनाया जाता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है और चार्ट कैसे बनाया जाता है। ये तीनों चीजें जो है इसमें बनाया जाएगा, तीनों चीज इसमें बनाया जाएगा इस आंसर में लिखते समय, ध्यान रखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर सिक्स। चैप्टर सिक्स पूरा अच्छा से कंप्लीट हो गया था, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए थे और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए थे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। आपको पता है कि इसमें कुल दो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आज ही दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होते ही, समाप्त होते ही इसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम में सर्च करना होगा हिस्ट्री टॉक, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मॉडल सेट जल्द से जल्द दे देंगे उसमें, और आपको उसमें क्या करना होता है मॉडल सेट में, इसी चैप्टर का, चैप्टर सिक्स अच्छा से पढ़ लिए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, तो इसका रिवीजन भी तो होना चाहिए ना, कि कितना आपको याद है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है, कितना आपको चैप्टर से याद है, ये सब तो पता चलना चाहिए। और आप लॉन्ग क्वेश्चन हम सिखाएं लिखवाना, ये आपको लिखने आया है कि नहीं आया, ये सब का टेस्ट तो होना जरूरी है ना। तो इसके लिए हम मॉडल सेट देते हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें आपको आंसर लिखकर भेजना होगा, हम चेक करके बताएंगे कौन कौन सा आंसर कितना सही है, कहाँ गलत है और आंसर में कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। और एक बात, इससे पहले वाला भाग का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन वाला पहला वाला, तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब समझिए कि आप लोग कमेंट करके ये बताते नहीं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पर समस्या है, कहाँ पर दिक्कत है, या आपको बहुत अच्छा सा समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके तो बताइए। आप बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं कि हाँ समझ में आया है कि नहीं आया, आया है तो हाँ बोलिएगा समझ में आया है, नहीं आया है तो ये भी बताइए कि हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए, या तो उसका आंसर हम कमेंट में दे देंगे या अगले वीडियो में उसको हम समझा देंगे। तो आपको बस कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि हाँ यहाँ यहाँ दिक्कत है, यहाँ पर समझाइए। अब हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन है और ये इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए पिछला वाला में क्या पढ़े थे हम लोग, महावीर के बारे में, पिछला वाला महावीर के जीवनी और उपदेश के बारे में समझे थे, इसमें क्या समझेंगे, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवनी और उपदेश के बारे में समझेंगे। और एक बात, हम इस लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी सिखाएंगे कि मैप कैसे बनाया जाता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है और चार्ट कैसे बनाया जाता है। ये तीनों चीजें जो है इसमें बनाया जाएगा, तीनों चीज इसमें बनाया जाएगा इस आंसर में लिखते समय, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों चीज हम बनाकर आपको बताएंगे, इससे आंसर और भी बेहतर हो जाता है, और जो भी आपको डाउट होता है, समस्या होता है, जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। चलिए ये क्वेश्चन शुरू करते हैं, और ये क्वेश्चन का आपको आंसर का पता है तीन भागों में लिखा जाता है, एक इंट्रोडक्शन, मध्य भाग और अंतिम में निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन था पिछला वाला, उसमें क्या था, महावीर के बारे में था, इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में है। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, खुद से भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, खुद से भी क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, एकदम सिंपल सा भी इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाटा मत डालिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं कि इसमें सन डालना जरूरी है, कोई भी डाटा जब डालना जरूरी है। और खासकर बच्चे जो हिस्ट्री जिनको समझ में नहीं आता है वो क्या कहते हैं, एक ही कारण देते हैं, क्या कारण देते हैं, कि हिस्ट्री में बहुत सारा डेट याद करना पड़ता है, इसीलिए हमको हिस्ट्री समझ में नहीं आता। अरे हिस्ट्री तो कहानी की तरह होता है, इसमें डेट कहाँ याद करना हो, कुछ डेट याद करने होते हैं, तो याद नहीं करना हो तो अपने आप याद हो जाते हैं, याद करने की कहाँ जरूरत है, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, याद हो जाते हैं। तो जरूरी थोड़ा है कि हिस्ट्री में पूरा डेट ही याद करें तो ही हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहानी की तरह तो होता है ये। चलिए शुरू करते हैं, बौद्ध धर्म की, और साथ साथ आप लिखते भी जाइएगा, बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया था। देखिए तो कितना सिंपल इंट्रोडक्शन है, इस धर्म की स्थापना का उद्देश्य समाज में मौजूद अंधविश्वास और कई भ्रामक बातों को दूर हटाना तथा इस समाज को सही मार्ग दिखाना था। यहां पर दिखाना था होगा, दिखाना था, इसका उद्देश्य क्या था, पिछला वाला भी देखिए, पिछला वाला जैन धर्म भी था, उसका भी उद्देश्य क्या था, उस धर्म का भी उद्देश्य क्या था, समाज को एक सही दिशा को देना। आपको पता है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आसपास ही है, मतलब उसी के समय ये दोनों धर्मों की उत्पत्ति हुई थी, पहले जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, यानी महाजनपद काल में। उस समय समाज में बहुत सारे अंधविश्वास, भ्रामक बातें फैल गई थी, तभी ये धर्म की स्थापना हुई। अगर भ्रामक बातें नहीं फैली होती तो फिर जरूरत क्या था,
देखिए समाज सुधारकों की जरूरत तब पड़ती है जब समाज में कुछ गलत चीजें को प्रसार हो रहा हो, गलत बातों का प्रसार हो रहा हो, तभी तो समाज में समाज सुधारकों की जरूरत पड़ती है। अगर समाज में कुछ गलत बातें ही प्रसारित ना हो तो समाज सुधारकों की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। महात्मा बुद्ध और महावीर की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी ताकि समाज में बहुत ज्यादा मात्रा में गलत और भ्रामक बातें फैली हुई थी। इस समय भी समाज में बहुत सारी गलत और भ्रामक बातें फैली हुई हैं। इस समय भी देखिएगा बहुत सारे समाज सुधारक हैं। अब बहुत सारे समाज सुधारक कैसे, कुछ समाज सुधारक है जो ऑनलाइन माध्यम से यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आपको समझा रहे हैं। बहुत सारे समाज सुधारक है जो कि इस समाज को सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। हमेशा समाज सुधारक उत्पन्न होते ही रहते हैं क्योंकि समाज सुधारक उत्पन्न होते हैं, समाज सुधारते हैं, फिर कुछ दिन के बाद जब ये इनका एक लिमिट ही समय होता है ना, सभी इंसान का एक लिमिट समय होता है, धरती पर जन्म लिए हैं तो लिमिट समय के लिए, इनके जाने के बाद फिर समाज एक अलग दिशा में जाने लगता है, फिर समाज सुधारकों की जरूरत पड़ती है, फिर उनको जाने के बाद फिर उनके विचार हमेशा के लिए चलते रहते हैं। आज भी महात्मा बुद्ध के विचार देखिए, हम लोग उनके विचारों पर चल ही तो रहे हैं, वैसा ही तो विचार है। चलिए तो इस समाज को सही मार्ग दिखाना इतना लिख लिए, उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, इस धर्म का प्रसार, इस धर्म का प्रसार महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया और उनके बाद कई महात्मा बुद्ध के समय भी कई शासकों द्वारा इस धर्म का समर्थन किया गया, जैसे बिंबिसार, और महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद भी कई शासकों, कई बड़े शासकों द्वारा इस धर्म का समर्थन किया गया, उसका प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है सम्राट अशोक, जिसने इस धर्म को बहुत ज़्यादा प्रसारित किया, अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी इस धर्म का प्रचार किया, जैसे श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान आदि देशों में इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद भी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा भी और कई जगहों पर इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इतना लिख देंगे इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा मात्रा में इंट्रोडक्शन हो जाएगा, साथ साथ आप लिखते चलिए, ठीक है। तो हम लोगों को देखिए दो मुख्य बातों पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन को कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन को आ रहा है जीवनी और उपदेश का वर्णन करना, ठीक है, लेकिन हमको तो इंट्रोडक्शन भी पहले लिखना होगा, तो इंट्रोडक्शन इतना लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप कमेंट में लिखकर बताइए, यहां पर हमको समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध की जीवनी। अब गौतम बुद्ध की जीवनी बहुत अच्छा से चैप्टर पढ़ाए हैं कि उनका जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ था जन्म, और उनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, उनके मौसी का क्या नाम था, ये सब के बारे में बताए, उनका बचपन का क्या नाम था, वो मतलब राजमहल में कैसे रह रहे थे, फिर उनकी शादी कैसे हुई, 16 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी, और शादी किससे हुई, ये सब पूरा डिटेल में हम बताएं। अब यहाँ पर बताने लगेंगे, यहाँ पर अब लिखवाने लगेंगे पूरा डिटेल में, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इनका जीवनी खुद से लिखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म, और उसके बाद महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद महात्मा बुद्ध के, जैसे आपने महात्मा बुद्ध का जन्म लिख लिया, जन्म कहाँ पर हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, मौसी का क्या नाम था, ये सब की मौसी, देखिए मुख्य भूमिका उनकी मौसी गौतमी का ही था, कि मौसी गौतमी द्वारा ही उनका पालन पोषण किया गया। उनकी माँ जो थी महामाया, वो तो 7 दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, इनके जन्म के 7 दिनों के बाद, तो उनका सब पालन पोषण उनकी मौसी ही की थी, तो ये सब के बारे में, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये सब पूरा डिटेल में लिखेंगे, और वो उनका दिमाग परिवर्तित कैसे हुआ, महल से बाहर निकले, 4 गो दृश्य देखे थे, तो 4 दृश्यों का इनकी जीवनी लिखेंगे पूरा यहाँ पर। अब लिखेंगे 4 दृश्य, जब लिखेंगे कि वो महल से बाहर भ्रमण के लिए निकले थे, तो महल से बाहर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा, उन्होंने 4 दृश्य देखा, जब इतना लिखेंगे ना, उन्होंने 4 दृश्य देखा, उसके बाद 4 दृश्य ऐसे लिखकर, 4 दृश्य, 4 दृश्य, 4 दृश्य क्या क्या उन्होंने देखा था, सबसे पहला दृश्य, या आप दृश्य को भी कैसे भी लिख सकते हैं, क्या क्या देखा था, 4 गो दृश्य देखा था जो उनको जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए थे, 4 गो दृश्य क्या क्या देखा था, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, दूसरा नंबर में है बीमार व्यक्ति, क्या क्या देखा था उन्होंने, ये आपको देखिए, ये है, ये आपको बता रहा है, ताकि ऐसे आप लिखेंगे ना, ऐसे करके ऐसे डायग्राम बनाकर लिखेंगे तो और अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ये जीवनी लिखने के बाद की बात कर रहे हैं, जीवनी अंडरलाइन करके जीवनी लिखेंगे, उसके बाद की बात कर रहे हैं, ऐसे करना, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, उसके बाद मृत व्यक्ति, और उसके बाद सन्यासी, ये चारों लिख देंगे ना, उन्होंने अपने जीवन
जब वो भ्रमण करने निकले तो अपने जीवन के चार महत्वपूर्ण दृश्य देखे, चार महत्वपूर्ण दृश्य लिख कर और एक एक करके अब एक नंबर में लिख कर वृद्ध व्यक्ति देखे तो उनके मन में क्या उत्पन्न हुआ, वो अपने सारथी से क्या पूछने लगे, बीमार व्यक्ति देखे तो क्या पूछने लगे, ये सब के बारे में पूरे डिटेल में आप लिखिएगा। हम चैप्टर पढ़ाते समय बहुत विस्तार से बताए हैं। अब इसमें ये नहीं कि आप कहिए कि नहीं आप ही लिखवाइए तो फिर समस्या वाली बात है, क्यों? क्योंकि यानी कि आपको चैप्टर समझ में नहीं आया, और जब चैप्टर समझ में नहीं आया तो कमेंट वहीं पर करना चाहिए था कि चैप्टर समझ में नहीं आया फिर से बताइए हमको, हम फिर से बताते क्या दिक्कत है। आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं ना तो अपने मन में इतना बात ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा बन जाना है कि आपको हिस्ट्री में कोई भी कितनी भी गहराई वाली बातें पूछे आपको उन गहराई वाली बातों को डिटेल में समझाना होगा। आपको कोई कोई घटना हुआ उसका डेट याद है या नहीं है इससे मतलब नहीं होता है, मतलब हिस्ट्री ऑनर्स लिए तो इससे होता है किसी टॉपिक को आप कितनी गहराई में समझा सकते हैं। ये तो डाटा होता है ना कि ये इनका जन्म इतना में हुआ, मृत्यु इतना में हुआ, इतने वर्षों में ये गृह त्याग किए, ये किए, ये एक डाटा है, ये याद हो चाहे ना ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको याद थोड़े करना होता है, ऐसे ही याद हो जाता है। मान लीजिए कभी भूल भी गए इसको तो इससे मतलब नहीं होता है। आप इनके बारे में कितना इनके जीवन के बारे में गहराई में समझे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है। वृद्ध व्यक्ति देखे तो उनके सारथी ने क्या समझाया, मृत व्यक्ति देखे तो उनके सारथी ने क्या समझाया, ऐसे करके को अंडरलाइन कर करके अलग में नीचे लिख लेंगे, ठीक है। और यहीं पर ही महात्मा बुद्ध की जीवनी जब लिख रहे थे यहीं पर एक मैप बनाएंगे और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, महात्मा बुद्ध का उनका पालन पोषण कहाँ पर हुआ था, और ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनको जब ये घर से निकले थे, और एक बात जीवनी में कहाँ तक लिखेंगे आपको सबसे महत्वपूर्ण बात होगा जीवनी में कहाँ तक लिखेंगे, तो जीवनी में उनके जन्म से शुरू कीजिएगा और जहां तक ज्ञान प्राप्त हुआ है ना वो पूरा कहानी आपको लिख देना है। तो आप क्या कीजिएगा, मैप बनाइएगा और जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कहां पर गया, कहां पर बोध गया, तो आपको मैप में दिखा देना है बोध गया। अब कहेंगे मैप में इतनी गहराई से बोध गया कैसे दिखाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अनुमान ले लेना है कि बिहार यहां पर है मैप में और बिहार में बस बिहार को ही दर्शा देना है, समझ लीजिए कैसे ऐसे कर देना है, मैप बनाकर कर देना है और ये यहाँ पर लिख देना है बोध गया और लिख देना है कि ज्ञान प्राप्त हुआ था यहीं पर महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था, बस वो उतना लिख देना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसमें, देखिए डायग्राम मैप और आगे चार्ट भी इसी में बना देंगे हम लोग चार्ट, क्योंकि इसमें तीनों चीजें बनाने का जगह है, तीनों चीज मतलब बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिसमें नहीं बनाने का जगह होता है उसमें कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, एक मैप बनाकर उनको ज्ञान जहाँ प्राप्त हुआ था वो जगह दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मैप कैसे बनाना है पहले वाला वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं मैप कैसे बनाना है। अब आपको अगला लिखना है धर्म चक्र परिवर्तन, क्या लिखना है धर्म चक्र परिवर्तन, कहाँ तक उसमें लिखेंगे जीवनी में कहाँ तक लिखेंगे जहाँ तक ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद ज्ञान प्राप्त होने के बाद तुरंत कहाँ पर वो पहुंचे सारनाथ में, तो यहाँ पर लिखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन अंडरलाइन डैश करेंगे और इसमें क्या आप लिखना शुरू करेंगे धर्म चक्र परिवर्तन ऐसे करके और इसमें क्या लिखना शुरू करेंगे आप ये देखिए इसमें लिखेंगे कि धर्म चक्र परिवर्तन की घटना, यह घटना जब महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में पहली बार ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार यहाँ पर ऐसे भी लिख से पहली बार उपदेश दिया गया यह घटना जब महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं जब महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया गया उसे धर्म चक्र, यहाँ पर यह घटना ना भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, यह घटना को मिटा भी सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया गया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अब इसमें धर्म चक्र परिवर्तन में ही लिखेंगे। उसके बाद महात्मा बुद्ध अलग अलग महाजनपदों और छोटे छोटे बड़े महाजनपदों और छोटे छोटे महाजनपदों में जाकर या छोटे जनपदों में जाकर अपना उपदेश देने लगे, लोगों के बीच अपने ज्ञान का प्रसार करने लगे, लोगों को अंधविश्वास से दूर हटाने लगे, ये सब इसमें लिखेंगे अभी जो बोल रहे हैं।
लोगों को अंधविश्वास से दूर हटाने लगे। इसी क्रम में ये राजगिरी पहुंचे, जो कि उस समय का शासक, मगध का शासक बिंबिसार की राजधानी थी, जहां पर बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध का स्वागत किया। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध का स्वागत किया और इनके धर्म का भी समर्थन किया, इनके धर्म का भी और इनके बातों का भी समर्थन किया। उसके बाद महात्मा बुद्ध अलग अलग जगहों पर जाकर अपना उपदेश देने लगे और अपने बातों का प्रचार प्रसार करने लगे। बस धर्म चक्र परिवर्तन मत नहीं। देखिए अभी तक आपको कोई दिक्कत हुआ? इतना इंट्रोडक्शन अपने खुद से लिख देंगे, जीवनी लिखेंगे वो खुद से लिख देंगे, वो तो आपको याद ही है, पता ही है। और वहां पर एक मैप डायग्राम, वो तो बताई है डायग्राम आपको, चार गो उनके जीवन वाला बात याद ही है। फिर मैप आपको पता ही है, मैप बनाकर एक दर्शा देना है। उसके बाद महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव, महात्मा बुद्ध का उपदेश का प्रभाव भी तो लिखना पड़ेगा ना। महात्मा बुद्ध के, देखिए उपदेश के बारे में लिखना है, महात्मा बुद्ध का उपदेश क्या थे, तो उपदेश में ही इनके शिक्षा एवं उपदेश ये भी आ जाएंगे। उपदेश का प्रभाव क्या हुआ यहाँ पर, इसके बाद होता तो ये अच्छा होता। चलिए यहाँ पर शुरू में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये घटना इससे पहले ही हुई थी, ये घटना इससे पहले ही हुई थी। यहाँ पर उपदेश के प्रभाव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उपदेश के प्रभाव में क्या लिखेंगे, एक कहानी लिखेंगे। कौन सा कहानी? जब ये श्रावस्ती पहुंचे थे, कहाँ पर पहुंचे थे? श्रावस्ती। तो इनकी मुलाकात कहाँ, किससे हुई थी? वो भी रात में मुलाकात हुई थी। किससे? अंगुलीमाल डाकू से, बहुत भयंकर डाकू था, ध्यान रखिएगा, समझिए। एक ऐसा महापुरुष जिसके सामने रात में वो भी एक खूंखार डाकू आ जाए, और जो पता है कि आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता है सामने आने के बाद, समझिए, उसके पास ये अकेले पहुंचे थे। कितना बड़ा परिवर्तन समाज में लाना चाहते थे, किसी से डरता ही नहीं था। डर किसको, देखिए सन्यासी को वैसे भी डर नहीं लगता है, वो दुनिया छोड़िए दिए हैं, तो डर किसके बाद, किस बात के लिए? देखिए डर क्यों हमें लगता है, डर इसलिए लगता है कि कुछ हमसे छीन कोई ना ले, कोई खो ना जाए, डर इसी बात का रहता है ना, कोई खो ना जाए, कुछ हमसे कोई छीन ना ले, डर इसी बात का रहता है। अब कुछ भी हो सकता है, अब इनको क्या डर था, महात्मा बुद्ध को कोई कुछ छीन ही नहीं सकता, उनसे कुछ खो ही नहीं सकता, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो कोई छीने क्या, जो है वो उनके अंदर है, वो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको ज्ञान है, तो ज्ञान कौन छीन सकता है, ज्ञान अभी आज तक कोई ज्ञान छीन ही नहीं पाया है, ध्यान रखिएगा, और आगे भी कोई नहीं छीन पाएगा ज्ञान, कोई भी ज्ञान भविष्य में भी कोई नहीं छीन पाएगा, और अतीत में तो कोई आज तक किसी का ज्ञान छीन ही नहीं पाया। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा एक ऐसा चीज होता है जो आपसे कोई ना छीन सकता है, ना चुरा सकता है, कोई भी नहीं कुछ कर सकता, कोई हिंसा ले सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। तो यही श्रावस्ती में पहुंचे, तो श्रावस्ती वाला बात लिख देना है, अंगुलीमाल डाकू को कैसे मिले थे, कैसे उसको समझाए थे, ये सब बातें इसमें क्या कर देनी है, महात्मा बुद्ध के उपदेश का प्रभाव, इसी को उपदेश दिए थे, तो ये पूरा पर देखिए ऐसे ऐसे इतने लोग थे, बहुत सारे लोगों को ये परिवर्तित किए थे, लेकिन प्रमुख जो फेमस जो कहानी है इसी के बारे में आता है, अंगुलीमाल डाकू के बारे में, तो ये कहानी इसमें लिख देना है। अब जो बच्चे चैप्टर नहीं देखे होंगे ना, उनको कुछ नहीं ये समझ में आ रहा होगा, अगर आप चैप्टर नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये चैप्टर अगर नहीं देखे होंगे तो चैप्टर 6 जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म का शिक्षा एवं उपदेश, ये उपदेश का प्रभाव बाद में भी लिख सकते थे, ध्यान रखिएगा, ये मत कहिए कि पहले क्यों लिखवा दिए, बाद में भी लिख सकते थे, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठाकर बाद में भी, ये बौद्ध यहाँ पर, इसके बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं उपदेश, इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद अष्टांगी मार्ग के बाद यहाँ पर ये वाला लिख सकते हैं, उपदेश का प्रभाव, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब लिखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं उपदेश, क्या क्या इनके शिक्षाएं थे, उपदेश तो यहाँ पर भी दिए थे, उपदेश का प्रभाव भी पड़ा था, ऐसे भी ये उपदेश ही ना दिए थे उसको अंगुलीमाल डाकू को, यहाँ पर उपदेश एवं शिक्षा एवं उपदेश, मुख्य बात यही लिखना है, इनके जीवनी और शिक्षा और उपदेश लिखना, यही दो को बात मुख्य है, तो इसको लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे, ऐसे भी आपको अंडरलाइन करना है। और मुख्य रूप से इनकी शिक्षा और उपदेश में मुख्य रूप से क्या था, त्रिरत्न था, बुद्ध धर्म और संघ, इसको लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं या आपको डायग्राम वाला ऐसे जो डायग्राम बताए थे इसमें ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न करके और बुद्ध धर्म और संघ ऐसे करके भी लिख सकते हैं, हम डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर चार आर्य सत्य इन्होंने बताया था, चार आर्य सत्य को ऐसे करके भी, इस आर्य सत्य को एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर करके डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं, चार आर्य सत्य, और इसमें पूरा डिटेल में लिखना होगा। यहाँ पर चार आर्य सत्य लिख लिए, दुख, दुख का कारण, दुख का अंत, दुख का अंत का मार्ग, ठीक है, ये चारों लिख लेना। अब एक एक करके इसमें लिखना है, एक नंबर लिखकर और लिखना है दुख, और आपको बताना है कि दुख, अब इन्होंने दुख के बारे में क्या कहा था, क्यों हमारे जिंदगी में क्या दुख कहा था, तो इन्होंने कहा था, क्या कहा था,
कि हमारा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, दुखों से चारों तरफ से हमारा, जब से हम जन्म लेते हैं दुख से ही हमारा जीवन क्या रहता है, भरा हुआ रहता है दुखों का कारण। उन्होंने दुख का कारण क्या बताया था, हमारी इच्छाएं ही दुखों का कारण है। दूसरा नाम लिखे दुख का कारण, उसमें लिखेंगे महात्मा बुद्ध द्वारा कहा गया था कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण होता है। हमारा इच्छा क्या होता है, दुखों का कारण होता है। जितनी ज्यादा हम इच्छाएं रखेंगे उतना ज्यादा दुख होगा। सामने वाले से इच्छा का मतलब क्या होता है, उम्मीद, बात वही होता है, उम्मीद। उम्मीद भी एक तरह का इच्छा ही है। सामने वाले से अगर उम्मीद हम रख रहे तो हमारी इच्छा ही है ना, कि सामने वाला हमें ये करेगा ये देगा, लेकिन जब वो नहीं करता है या नहीं देता है तो क्या होता है, हमारा जो इच्छाएं होती है उस इच्छाओं को आहत पहुंचता है कि सामने वाला से हम उम्मीद किए थे लेकिन वो हमको दिया नहीं, ये नहीं किया, तो बहुत दुख होता है अंदर। तो उन्होंने क्या कहा था, सामने वाला से कोई उम्मीद ही मत रखो तो दुख होगा ही नहीं। आगे दुख का अंत, दुख का अंत का मार्ग बताए थे कि जीवन में क्यों ही कि सामने वाला से उम्मीद मत रखो, अपने अपने जो सामने वाला से यानी इच्छाओं पर काबू रखो, इसी से क्या होगा, हमारा दुखों का अंत हो सकता है। दुख का मार्ग भी, अंत का मार्ग भी, और सारा अंत का मार्ग बताया था कि दुख का अंत का मार्ग कैसे, इसी मार्ग पर चलकर सत्य और अहिंसा, और सत्य अहिंसा के मार्ग पर भी चलकर अपने दुखों का अंत किया जा सकता है, और जीवन में एक सामान्य इंसान की तरह जीकर और ये सत्य और अहिंसा के तहत ही हम अपने जीवन के अधिकतर दुखों का निवारण कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी देखिए बात, ये भी बात समझिए, जन्म ले लिए तो दुख होगा ही, दुख का अंत पूरी तरह से नहीं हो सकता है। हाँ दुख कम हो सकते हैं लेकिन अंत कैसे हो सकता है, जब जीवन है तो दुख है, जीवन जब जन्म ले ही लिए हैं तो दुख समझ लीजिए है ही। अब देखिए दुख कुछ मात्रा में कम हो सकता है लेकिन दुखों का अंत नहीं हो सकता। दुख का अंत के मार्ग भी कई सारे बताए हम आपको, चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उस समय बहुत अच्छा समझाए थे। अब देखिए अब अष्टांगी मार्ग ही बताते हैं, अष्टांगी मार्ग आपको याद होगा नहीं इसीलिए हम अष्टांगी मार्ग आप लिख सकते हैं, उसमें सिर्फ लिख सकते हैं अष्टांगी मार्ग, उसके बारे में आठ अब लिखेंगे तो आपको याद होगा ना, इसीलिए हम इसमें लिखवाए नहीं है। जो बातें नहीं याद होगा इसमें लिखवाने से कोई मतलब है नहीं, इसीलिए हम नहीं लिखवाए। चलिए बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली, बौद्ध संघ का कार्य प्रणाली भी हम समझाते बहुत अच्छा से। बौद्ध संघ कार्य प्रणाली कैसा था, क्या था कि बौद्ध संघ में समिति थी, नियम बनाया गया था, कोई अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको बाहर निकालना, बौद्ध संघ से कैसे बाहर निकाला जाता था। उसके बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बौद्ध संघ के कार्य प्रणाली कैसे हुए, त्रिपिटक से चलते थे, त्रिपिटक में जो शुद्ध पिटक था और शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अविधान पिटक। तो विनय पिटक में पूरा बौद्ध संघ के कार्य प्रणाली पूरा लिखा हुआ था, कैसे कैसे बौद्ध संघ में रहना है, बौद्ध संघ में रहना है तो एक कटोरी, मतलब कटोरा, एक कटोरी था उनके पास, उतना ही भोजन लेना है जितना कि आप खा सकते हैं, और सारा काम अपना सारा काम खुद से ही करना होता है, जो सोने वाला जो कुछ भी होता है वो अपने से खुद से समेटना होता है, सब सफाई भी खुद से करनी होती है, सब कुछ खुद से करना होता था। तो ये बौद्ध संघ के संघ कार्य प्रणाली आप लिख सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मेन उद्देश्य मेरा ये है ना कि आप समझ जाएं कि लिखते कैसे हैं। तीन चार को बात, बौद्ध गौतम बुद्ध की जीवनी, धर्म चक्र परिवर्तन, महात्मा बुद्ध के उपदेश प्रभाव, ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे ना, आप आराम से लिख सकते हैं और यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं। बौद्ध संगीति लिख कर और यहाँ पर आप चार्ट बना सकते हैं। बौद्ध संगीति कब कौन कौन से बौद्ध संघी थी, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके, और पहला के समय कौन राजा थे, कौन उस समय शासक थे, कहाँ पर हुआ था, आप कब हुआ था ये नहीं याद रहेगा तो छोड़ दीजिए, ये मत लिखिएगा कब हुआ था, अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये तो सब तो याद होगा ना कि पहला बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति माने पहला बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था, उस समय राजा कौन थे, उस समय का अध्यक्ष कौन थे और कौन कौन से निर्णय लिए गए थे, ये सब बातें भी पता होंगी तो ये लिख सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध धर्म का समाज पर प्रभाव क्या क्या पड़ा, बौद्ध धर्म के समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसमें भी बताएं कि क्या क्या प्रभाव पड़ा, अब इसमें देखिए क्या क्या लिख सकते हैं आप, बौद्ध धर्म का समाज पर प्रभाव। अब देखिए इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर थे उसमें हम एक एक करके सब लिखवाते थे, अब इसमें क्यों नहीं लिखवा रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि आप खुद से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर नहीं लिख पा रहे होंगे अब हम कैसे देखेंगे, अब जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना तब मॉडल सेट देंगे, तो मॉडल सेट देंगे अगर उसमें आप इसका आंसर पूरी अच्छी तरह से लिख पाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप लिख पा रहे हैं, और नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर अगला चैप्टर फिर से चालू होगा, उसमें जैसे चैप्टर खत्म होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें फिर से लिखवाना शुरू करेंगे, क्या करेंगे नहीं लिख पाएंगे, तो अगर लिख पाएंगे तो ठीक है ऐसे ही सब बता देंगे समझा देंगे। तो बौद्ध धर्म का समाज और प्रभाव क्या क्या पड़ा, चैप्टर पढ़ाते समय तो बताई है, आप जब चैप्टर पढ़िए ना तो नोट्स बनाते रहिए,
बहुत सारे बच्चे हमसे नोट्स मांग रहे हैं। अरे हमारा नोट्स आपको समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, खुद से नोट्स बनाइए ना, कि आपको क्या क्या दिक्कत है वो नोट्स खुद से बनाइए। तो चलिए बौद्ध धर्म का समाज पर प्रभाव क्या पड़ा ये भी हम समझाए थे कि समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो हमें लगता है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा से, और इसमें निष्कर्ष मानते में यही लिखेंगे महात्मा बुद्ध द्वारा एक समाज को नई दिशा दी गई और इनके द्वारा ही कई ऐसे परिवर्तन किए गए जिससे समाज में बहुत सारी चीज़ें नई हुई और नई समाज को एक नई दिशा मिला। और उनके बाद भी हजारों सालों तक उनकी बातों को समाज को नई दिशा मिलता रहा। ये सब लिख लिए तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।